आज हम लोग टाइम का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जब भी अपने मोबाइल में आप टाइम की सेटिंग करते होंगे तो वहाँ पर UTC, GMT, IST का कॉन्सेप्ट आप देखते होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये लिखा गया है, ये लॉन्गिट्यूड है। देखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो ग्रीनविच एक स्थान है, वहाँ से गुजरता है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ के समय को हम लोग 0 आवर्स मानते हैं। जब सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है ग्रीनविच पर, उस समय को 0 आवर्स या नून का समय माना गया है। यहीं के रेफरेंस में पूरे वर्ल्ड का समय हम लोग निकाल सकते हैं। जब ग्रीनविच पे सन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, उस समय परछाई जो है बिल्कुल छोटी बनती है, उस समय को हम लोग 0 आवर्स मानेंगे। अब यहीं के रेफरेंस में बाकी जगह का समय कैसे निकालेंगे, उसका एक कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर, जब कोई वस्तु एक चक्कर लगाती है तो 360 अंश का कोण बनाती है। 360 डिग्री जो है वो 24 घंटे में चलती है। यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको, तो ये 24 × 60 / 360, 60 से गुणा कर दिया है ताकि मिनट में आ जाए, ये घंटे में है, फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए हमने इसको मिनट में बदल दिया है। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो 4 मिनट आएगी। इसका मतलब कि जब हम लोग प्राइम मेरिडियन या 0 आवर से हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री, तो समय 4 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो इसी आधार पे कैलकुलेशन होता है। अब देखिए, भारत जो है हमारा वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पे ख़त्म होता है। तो अगर हम 4 मिनट वाले कैलकुलेशन से करेंगे तो 68 डिग्री के हिसाब से 272 मिनट आता है और 97 डिग्री के हिसाब से 388 मिनट आता है। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हमने 7 मिनट और 25 मिनट को छोड़ दिया है। तो यहाँ से देखिए, भारत के पूर्वी सिरे से पश्चिमी सिरे के बीच में लगभग 116 मिनट का अंतर होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में सूर्य निकलने का जो समय है उसमें लगभग 1.25 घंटे का अंतर होता है। लेकिन भारत में तो केवल एक ही समय है, पूरे भारत में एक ही समय माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ के समय को IST माना गया है, मतलब पूरे भारत में यही समय माना जाएगा। तो 82.5 डिग्री का जब कैलकुलेशन आप करेंगे 4 मिनट के हिसाब से, तो 330 मिनट आता है, ये लगभग 5.5 घंटे के हिसाब से आता है। तो इसीलिए भारत में जो समय माना गया है वो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है, इसलिए उसको +5.5 UTC माना गया है। तो भारत का समय इंडियन स्टैंडर्ड पर हम देखेंगे तो 82.5 वाले समय को पूरे भारत में माना गया है। वर्ल्ड लेवल में ग्रीनविच वाले रेफरेंस से अगर हम देखेंगे तो 5.5 घंटे हम लोग का समय आगे है। बस यही दो जानकारी आपको अगर पता है तो समझ लीजिए टाइम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं एक मैप में, इंडिया का मैप है, 82.5 डिग्री पर जो लाइन गई है यहाँ पे समय कैलकुलेशन होता है, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, यहीं से हम लोग पूरे भारत में समय लेते हैं।